दोस्तों आज की कहानी है सासू माँ। आपको तो बस अपने बड़े बेटे की टेंशन है, मेरे पति की नहीं। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। समझ नहीं आ रहा तुमसे ये सब कैसे कहूँ, पर नहीं कहूँगा तो तुम तो बवाल कर दोगे, फिर बीपी हाई करके बैठ जाओगे और खुद के और मेरे लिए टेंशन। अपनी बात रखने के लिए कमल जी ने पहले ही अपनी पत्नी राधिका को इस बात का एहसास करवा दिया कि वो कभी भी सीधे तरीके से बात सुनती नहीं है। आप टेंशन मत लीजिए, वैसे भी मुझे आदत हो गई है इस सब की। अब आगे कहिए काहे को फोन किया अम्मा ने, अब किसको कौन सी जरूरत आन पड़ी। राधिका जो अपने ससुराल वालों के हर बार के फोन से ये समझ चुकी थी कि फिर से छोटे बेटे को लाग लपेट कर अम्मा अपना दुखड़ा सुनाकर मदद की गुहार लगा चुकी हैं। अब शांति से सुनो राधिका और ये बताओ करूं तो क्या करूं, कमाने वाला मैं इकलौता घर में। कमल जी लासारी से बोले, देखो जी जरूरत कभी कभी पड़े तो मदद करने से मना ना करती, पर जब देखो तब उन्हें अपनी छोड़ो उस बेटे की परवाह ज़्यादा रहती जो कोई काम धाम ना करता। माँ के पास रहने से ही माँ का बेटा कहलाया जाता है क्या, और जो तुम मर खप कर काम करते। खुद की तबीयत एक तरफ रख, उन लोगों के फोन पर पैसे डॉक्टर दवा सब में लग जाते हो। मुझे गुस्सा आता है, अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर देते हो, उन्हें क्या पता तुम और मैं भी शारीरिक परेशानी। उन्हें तो वह बेटा बहू और बस अपनी ही फिगर सताती, और अब उनके बच्चों को भी देखो। चलो जो करना करो, मेरा तो उनका फोन आते दिमाग खराब हो जाता। राधिका वहाँ से उड़कर चली गई, जानती ही थी पति करेंगे वही जो उन्हें करना है, पर आखिर कब तक और वो लोग दुखड़ा रोते रहते। उन्हें कब समझ आएगी कि सामने वाले का भी अपना घर परिवार बीवी बच्चे हैं, खर्चे उनके भी कम नहीं होते होंगे। पर अम्मा वह क्यों नहीं समझती, अपने समय में सबसे अलग थलग रही, हमेशा अपने मन का करती रही। बाबूजी कितना साथी थे, गांव का घर जहाँ उनके माता पिता रहते हैं थोड़ी मरम्मत करवा दे, पर सासू माँ आग बबूला हो खाना पीना बंद करे कमरे में पड़ी रहती। बोल साल तो बंद ही रहता, हार कर बाबूजी कभी गांव का घर ठीक करवा पाए। और अब तो करने को वो इस दुनिया में ही नहीं है। कमल जी अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में लग गए। राधिका पति से इन बातों के लिए लड़ती झगड़ती टेंशन करती, पर कमल जी के कानों पर जो ना रेंगा वो बात खत्म करने को कह देते। वो टेंशन देते हैं तो तुम कौन सा कम करती हो, तुम भी तो टेंशन दे देती हो। अचानक एक दिन कमल जी की तबीयत खराब हो गई, अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। राधिका और उसका बेटा जो अभी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था, छुट्टी लेकर कैसे भी घर आया। पता था पापा की तबीयत खराब होते ही माँ परेशान हो अपनी तबीयत बिगाड़ लेगी। अस्पताल में दूसरा दिन ही था कि कमल के फोन पर अम्मा का फोन आया। कमल को सोता देख राधिका ने झट से फोन उठा, धीमी आवाज में हेलो करते कमरे से बाहर निकल गई। हाँ अम्मा जी प्रणाम, राधिका बोली। हाँ सदा सदा स्वागत रहो, कदम
कमल किधर है जरा उससे बात करवा, जरूरी बात करनी है। अम्मा अम्मा उनकी तबीयत सही नहीं है, अस्पताल में भर्ती है, दवा खाकर सो रहे, जो बात है हमसे कहे। राधिका तू क्या करेगी सुनकर हमारा बिटवा से झगड़ा करके उसको टेंशन दोगी। सल वो उठे तो कह देना तनिक भाई परेशान है, उसकी थोड़ी सुध ले ले वे। अम्मा अम्मा आपको समझ नहीं आ रहा क्या, कह रही हूँ ना ये अस्पताल में भर्ती है, तबीयत खराब है, पर आपको काहे इनकी परेशानी दिखेगी, आपके लाडले तो भाई साहब है ना, जब देखो तब उनको लेकर इनको परेशान करते रहते हैं आप लोग। आज अस्पताल में है तो भी आपको भाई साहब की परेशानी दिख रही है। आप लोगों से वह तो कुछ कहते ना है, पर यकीन मानो वो भी परेशान है, पर आपसे कुछ कहते ना है। माँ हो तनिक दोनों बेटों की, पर आज बात करने के बाद उसके मन में सास के लिए कोई शब्द ना निकले। टेंशन वो तो शायद मेरी किस्मत में जब तक रहेगा, जब तक कमल का परिवार के प्रति मोह कुछ कम ना होगा। राधिका कमरे में आ, पति के स्वस्थ होने की कामना करने लगी। दोस्तों आजकल आप देखते होंगे सब अपने में ही मस्त रहने लगे हैं, पर अभी भी कुछ ऐसे बेटे होते हैं जो माँ की हर बात गांठ बांध पूरी करते हैं। सही खुद कितनी परेशानी में ही क्यों ना हो, और जब पत्नी इस बात पर गुस्सा करती है तो इल्जाम पत्नी पर ये कहकर लगा दिया जाता है कि तुम कौन सा टेंशन कम करती हो। कोई पत्नी टेंशन कम कर सकती है जब सुनने समझने वाला उसकी बात समझे, जो ना समझे उसके साथ तो टेंशन का ही रिश्ता रह सकता है और कुछ